खुद ही से। अब यहाँ पे हल्की सी ये देखें, ठीक है। लेट सपोज अगर नहीं आप, तो मैं आई वुड प्रेफर कि आप प्रैक्टिस डायरेक्ट करें। अब मुझे वो बिल्कुल बारीक वाले ब्रश चाहिए, ग्लहरी वाले, बिल्कुल लाइट। आपने टोन का जो सबसे बारीक ब्रश लेना है, आपको अगर ज़रूरत है कि पेंसिल से ड्रॉ करना है तो आप पेंसिल से कर लें, और उसके नीचे पहले वॉश लगा होना चाहिए। वॉश लगा के फिर आप अपनी, एक तरीका ये है कि आप वॉश लगाएं, वॉश लगा के इसके ऊपर आप ड्रॉ करें। मैं आपको वो भी बता देती हूँ वहाँ पे, ये मैं आपको फ़िलहाल यहाँ पे बता रही हूँ कि विदाउट वॉश आपने वाइट सरफेस पे ड्राइंग शिफ्ट की, आपने कलर लिया, और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा ये करें कि आप बगैर, क्योंकि पेंसिल का लेड नीचे जो है ना, वो जब आप इरेज करेंगे तो वो इरेज नहीं होगा, प्रॉब्लम करेगा। मुझे सब नज़र आ रहा है साइड से, ये और ये दोनों सही नहीं थे, मैंने खुद ब्रश से ही उसको करेक्ट किया है। और आप ये लाइन ड्राइंग ट्रेसिंग से लेड आ गया है ना, तो कोशिश करें ऊपर पेंसिल से ना ही करें, डायरेक्ट ब्रश ब्रश से ड्राइंग करें कलर लेके, क्योंकि आप फिर पेंसिल से करेंगे, पेंसिल से करने के बाद फिर आप ब्रश से करेंगे, दो तीन चीज़ों के वो करने की वजह से वो डार्क हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रंग निकाल लें, जैसे अब एक पत्ता ये अब नहीं ना ड्रॉ हुआ हुआ पेंसिल से, ये देखें अब ये लाइन देखें और उसका देखें कितना फ़र्क है। ये लाइन आपकी ये देखें, समझ आई। अब अगर मैं आपको अलग सरफेस के ऊपर बताऊं, ये लिया आपने, जो बच्चे और ज्यादा अच्छा हाथ में, ये ब्लैक कौन से, ये बहुत है कि हम बड़ा अच्छा आला काम करें, तो वो अलग शीट पे सामने ड्राइंग रख लें। ये जो है किधर है वो, ड्राइंग रख नीचे नीचे सामने ड्राइंग रख लें रफ शीट के ऊपर। अब ये है जैसे यहाँ ये है, ये प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पे टीचर्स कि आप ड्राइंग